ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो कुंडली में अगर बिगड़ जाए तो वो सारा सिस्टम हिला देता है और सारी जिंदगी में ऐसी ऐसी मुश्किलें देता है कि आप जिंदगी भर उससे उबर नहीं पाते हैं। आज आपको बताएंगे चंद्रमा के ग्रहण योग के बारे में, ग्रहण योग बनता कैसे है, इसका प्रभाव क्या होता है और ये आपके जीवन पर कैसे असर डालता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 4 नवंबर 2024 दिन सोमवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, रात के 11:24 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, सुबह 8:04 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 4 नवंबर 2024 दिन सोमवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। केतु विद्यमान है कन्या राशि में, सूर्य तुला राशि में, चंद्रमा बुध और शुक्र वृश्चिक राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि चंद्रमा का ग्रहण योग होता क्या है और चंद्रमा का ग्रहण योग काम कैसे करता है। देखिए, चंद्रमा के बारे में सीधी बात हम सब जानते हैं कि चंद्रमा मन का स्वामी है और ये मन को प्रभावित करता है। जब भी चंद्रमा कुंडली में दूषित होता है, जब भी चंद्रमा कुंडली में निगेटिव होता है, मन और मन की समस्याएं व्यक्ति को बहुत परेशान करती हैं। चंद्रमा को सबसे ज्यादा दूषित करता है राहु, इसके बाद केतु और इसके बाद शनि। अगर राहु और चंद्रमा का योग हो तो ये शुद्ध रूप से ग्रहण योग है। चंद्रमा शनि या चंद्रमा केतु का योग भी नकारात्मक है और चंद्रमा केतु का योग लगभग ग्रहण योग जैसा है, लेकिन ये परफेक्ट ग्रहण योग नहीं है। चंद्र और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो परफेक्ट ग्रहण योग है और उसका सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव जीवन पर पड़ता है। ग्रहण योग अगर कुंडली में है तो ये सिर्फ समस्या देता है,
चंद्रमा खराब होता चला जाता है, आपके मन की स्थिति बिगड़ती चली जाती है और वो आगे चल करके आपके लिए दिक्कतें पैदा कर देती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र राहु का ग्रहण योग है तो इसका प्रभाव कैसा होगा, क्या जीवन को प्रभावित करेगा, जिंदगी में कैसी कैसी चीजें होंगी ये जानेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में विवादों से बचाव करें, व्यर्थ की दौड़ भाग आपके लिए रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, नौकरी का नया अवसर मिल सकता है, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, विवाह के मामलों में तेजी आएगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि अगर ग्रहण योग आपकी कुंडली में है तो किस किस तरह की समस्या आपके जीवन में होगी। अगर ग्रहण योग कुंडली में है तो व्यक्ति को सबसे ज्यादा मन की समस्याएं परेशान करेंगी, मानसिक स्थिति में दिक्कत ज्यादा होगी, उसे मन और कल्पना की समस्याएं परेशान करेंगी। काल्पनिक समस्याएं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है, ऐसी समस्याएं परेशान करेंगी। ग्रहण योग अगर कुंडली में है, चंद्र राहु भी है या चंद्र केतु है, दोनों सिचुएशन में दाम्पत्य जीवन मैरिटल लाइफ आपकी नरक हो जाएगी, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम की संभावना ज्यादा होगी। ग्रहण योग की वजह से पति पत्नी में अविश्वास या शक जैसी स्थिति पैदा होती है, पति पत्नी में विश्वास बन नहीं पाता और जो शक का मामला है ये पति पत्नी के बीच में चलने लगता है। ग्रहण योग होने पर व्यक्ति को विभिन्न तरह की बीमारियां परेशान करती हैं। और प्रॉब्लम क्या होती है, बीमारियों के लक्षण दिखते हैं, आदमी महसूस करता है कि मैं बीमार हूं लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। और वैसे भी राहु जहां इन्वॉल्व होगा ना वहां डायग्नोसिस होगी नहीं, इसीलिए बहुत संभावना होती है कि अगर राहु का प्रभाव चंद्र के साथ जिंदगी में है तो ज्यादातर आपको इमेजिनेटरी काल्पनिक समस्या होगी, बड़ी समस्या होने की संभावना कम होगी और सामान्यतः मेडिकल की जांच में किसी चीज की डायग्नोसिस नहीं हो पाएगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में
और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, चोट चपेट से बचाव करिए, परिवार में विवादों से बचिए, करियर में आपके कुछ बदलाव होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, ऑफिस की समस्या कम होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, संतान प्राप्ति के योग आपके लिए बन सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपने ये तो समझ लिया कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु केतु के एक्सिस में है, राहु के साथ है, केतु के साथ है, उनके बीच वाले पार्ट पे आ गया है तो कुंडली में ग्रहण योग है। अगर ग्रहण योग है तो इसकी समस्या से कैसे बचेंगे? सफेद रंग के चंदन का टुकड़ा ले आइए, नीले धागे में अच्छी तरह बांध करके इसको शनिवार को गले में धारण करिए। चंदन की सुगंध ले आइए और नहाते समय पानी में चंदन की सुगंध मिलाकर स्नान करिए। अगर कुंडली में ग्रहण योग है तो आपके खाने पीने की आदतें सही नहीं होंगी, इसलिए ऐसी सिचुएशन में फास्ट फूड खाने से और उल्टे सीधी चीजें खाने से आपको बचना चाहिए। ग्रहण योग की स्थिति में आप सलाह लेकर के किसी ज्योतिषी से माणिक्य या मोती धारण कर सकते हैं, लेकिन सलाह लेने के बाद। शनिवार के दिन आप निर्धनों में, गरीबों में बताशा बांटिएगा। बताशा जानते ही होंगे, पूजा उपासना में इस्तेमाल होता है, चीनी का बना होता है, तो वो छोटे छोटे या बड़े जैसे चाहें, आप हर शनिवार को बताशा बांटिएगा और ये उपाय करिएगा, निश्चित रूप से ग्रहण योग का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, धन की हानि हो सकती है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, ऑफिस की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में आपके शुभ कार्य होगा,
भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, समय का सही प्रयोग करें तो बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, चंद्रमा का ग्रहण योग अगर आपकी कुंडली में है तो एक बात आप अपने मन को समझाइए, कोशिश करिए कि आपके चारों तरफ जो समस्याएं हैं उसमें ज़्यादातर समस्याएं काल्पनिक हैं, और ऐसी स्थिति में किसी काउंसलर से मिलना, अपने बड़े बुजुर्गों से बात करना, अपने मित्र से बात करना, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो जब भी कुंडली में चंद्र राहु का योग हो, ये ज़्यादातर मानसिक परेशानियाँ, मेंटल डिप्रेशन, ये सब पैदा करता है। इसका एक ही फायदा है, अगर चंद्रमा राहु कुंडली में है तो विदेश जाने की या विदेश में जाकर के बस जाने की संभावना काफ़ी होती है। चलिए बता देते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए लकी टिप। अगर जीवन में नाम और यश चाहते हैं तो रविवार को सूर्य देव की विशेष उपासना करिएगा। हर रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़िएगा और रविवार को सूर्य भगवान को जल दीजिएगा। साथ ही साथ रविवार के दिन नमक और तेल का प्रयोग बंद कर दीजिएगा। अब जान लेते हैं दिनांक 4 नवंबर 2024 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 4 नवंबर दिन सोमवार प्रातः काल भगवान शिव को जल जरूर अर्पित करें। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करें। अगर ऐसा प्रातः काल या दिन के समय में कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।